हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube की। मैं आपको पांच ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, अगर आप YouTube एप्लीकेशन यूज करते हैं, और यूज क्यों नहीं करते होंगे क्योंकि ये फ़ोन के अंदर ही आता है। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं या फिर जो भी वीडियो का फ़ोन चलाते हैं जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसके सभी के अंदर ही आपको YouTube वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। पर YouTube की जो पांच सेटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये पांचों सेटिंग्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये वीडियो साफ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जैसे कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर सिंपली क्लिक करते हैं और वो सेटिंग्स पे जाते हैं, और यहाँ पर मिल जाता है क्वालिटी का ऑप्शन, उसके बाद में हाई पिक्चर्स क्वालिटी। अब जैसे ही इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो फिर भी जो आपकी वीडियो है वो यानी कि अच्छी क्वालिटी में नहीं चल पाई। और ये दिक्कत किन लोगों के साथ होती है, ज़्यादातर जो कि पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन या फिर कुछ देखते हैं, ठीक है, पर उनके पास जो इंटरनेट है वो भी अच्छा खासा है, और जैसे कि वाईफाई है या फिर उनके फ़ोन में फ्री चल रहा है, ठीक है, पर वो फिर भी एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में YouTube की, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वालिटी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। नीचे आपको मिलेगा एडवांस का ऑप्शन, ठीक है, नीचे में आपको देखने को मिल रहा है सिलेक्ट ए स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है, इस पर आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट है वो थोड़ा कम है, ठीक है, और आपका जो इंटरनेट है कम खर्च हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हमारे फ़ोन में तो यार इंटरनेट काफ़ी अच्छा खासा है, तो हम अपनी क्यों ना हम यानी कि फुल HD क्वालिटी में हम वीडियोस को देखें। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर वीडियो की जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर जो आपके लिए, अगर आप फुल HD में चला रहे हैं वीडियोस को, तो आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको पता थी कि नहीं थी, वो चीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमें देखते देखते कोई वीडियो पसंद आ जाती है या फिर हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में यह है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता है। कई बार तो मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद ही करता हूं, कि घर पर इंटरनेट नहीं चलता है, कि बाहर जाकर कहीं इंटरनेट चलता है, तो बाहर से मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ अपने यूट्यूब के फीचर्स में, ठीक है। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने वीडियो YouTube में वीडियो में जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है वो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोडिंग का तो ऑप्शन दिया गया है, पर यहाँ पर आप डाउनलोडिंग करेंगे तो वो YouTube में ही सेव हो जाएगी। जैसे कि आप कितने में करना चाहते हैं, जैसे कि 720 में या फिर फुल HD में, तो फुल HD में करेंगे तो आपको यहाँ पर पड़ेगी 306 MB की, ठीक है, लो क्वालिटी में, मीडियम क्वालिटी में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आपका फ्री चल रहा है तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे हाई पर, या फिर आप फुल HD पर भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल HD या हाई पर सिंपली क्लिक करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर जो प्रीमियम है, यानी कि जो प्रीमियम सिप है, वो आपकी ली होना चाहिए YouTube की तरफ से, तभी आप फुल HD क्वालिटी में इसे सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है, हालांकि देख सकते हैं। तो आप इसे मीडियम में करेंगे और आप इसे डाउनलोडिंग पे सिंपली क्लिक करके और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं 30 दिन तक, ठीक है, रख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आप यहाँ से रोक भी सकते हैं, और इसी के साथ में आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब ये वीडियो दिखाई कहाँ देगी, ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं हमारी, हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें आ जाएगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि ये है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और वो वीडियोस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी इंटरनेट को हमने बंद कर दिया है, अब ये हमारी वीडियो इसमें सेव हुई भी है, ठीक है, तो इस वीडियोस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरनेट की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भी मैं बता दूं, जैसे कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि वो कहीं पर जाते हैं और उन्हें वो वीडियो देखनी होती है, तो उनके पास उस समय समय नहीं होता है, पर इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा चलता होता है, तो वो उस वीडियो को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं अपने यूट्यूब में। तो वो वीडियो को आप फिर, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर वो वीडियो को आप देख सकते हैं बढ़ाकर, बैक कर, ठीक है, या फिर आप यहां पर जितना भगाना चाहें भगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हुई भी वीडियो है। तो इस तरीके से आप यहां पर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वालिटी को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये सेटिंग होगी दो, ठीक है।
उसके बाद में हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हम अपनी YouTube की सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जैसे कि जनरल, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है डबल टाइप, ठीक है। जैसे कि हम डबल टाइप सिंपली क्लिक करते हैं और जब भी हमारी कोई वीडियो चलती होती है और हमें बनाना होता है, ठीक है, तो हम उस पर डबल टाइप क्लिक करते हैं तो वो 10 सेकंड ही यानी कि आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 15 बढ़ना चाहिए या फिर 60 सेकंड बढ़ना चाहिए या फिर 5 सेकंड बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटिंग होगी 3। उसके बाद में आइए चलते हैं सेटिंग नंबर 4 पर, ठीक है। उसके बाद में हमें मिल जाता है यहाँ पर वॉच ऑन टीवी, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर और आप अपने मोबाइल से टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। तो जो टीवी वाले शो हैं वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक। अब आती है सेटिंग नंबर 5, ठीक है। तो हम सिंपली होम पर सिंपली क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा आल के बराबर में ये आइकन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप किस तरीके की न्यूज देखना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग में चल रही हैं वो, या फिर शॉपिंग, या फिर म्यूजिक, या फिर लाइव, या फिर गेमिंग, या फिर न्यूज, या फिर आप यहाँ पर कोई भी कोर्सेस देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि जो भी ट्रेंड में चल रही हैं वो चीजें, ठीक है। तो यहां पर वो ही चीजें दिखाएगा जो कि इस समय देखे जा रही हैं आपकी लोकेशन में, ठीक है, आपके आसपास, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं एक दिन में 2.1 मिलियन, यानी कि 20 घंटे में 3 मिलियन, तो जो कि लेटेस्ट में यहां पर रैंक कर रही हैं इस समय, ठीक है। और ये यानी कि ये और ये सेटिंग्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि वीडियो बनाते हैं, तो इससे वो चीज़ पता कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है, और कौन सी वीडियो किस समय रैंक कर रही है, तो आप वो चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड में क्या चल रहा है। आपको इन 5 सेटिंग्स में से कौन सी सेटिंग्स आपको अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।